Hey, insans, क्या हाल चाल है आप लोगों के? ठीक ठाक हैं? वेलकम टू माई चैनल, दिस इज काशिफ रज़ा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, डू कॉमेंट एंड लाइक। मैंने सिलसिला शुरू किया था हाउ यू कैन बिकम एन एंकर, उस हवाले से मैंने दो वीडियोज पोस्ट की थी। अगर आपने वो वीडियोज नहीं देखी तो पहले जाकर वो वीडियो देखिए, उसके बाद आकर इस वीडियो को यहीं से कंटिन्यू कीजिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। दो वीडियोज के बाद मैंने आगे वीडियोज इस वजह से नहीं डाली थी क्योंकि और बहुत सारी एक्टिविटीज चल रही थी, और जो लोग मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब किया होगा, उन लोगों को आइडिया है कि मैं हर तरह की वीडियोज ही डाल रहा होता हूँ, रियल लाइफ के हवाले से भी, जो कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ तो वो भी वीडियोज मैं डाल देता हूँ, व्लॉग बनाता हूँ। तो आज की जो वीडियो है ये उसी का थर्ड पार्ट है, और आज हम बात करेंगे वोकल्स के हवाले से। वोकल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, अगर आप एज ए एंकर काम कर रहे हैं तो भी इंपॉर्टेंट है, अगर आप एज ए ब्रॉडकास्टर कहीं पर काम कर रहे हैं, लाइक आप रेडियो करते हैं, अनाउंसर हैं, या वैसे आप होस्टिंग करते हैं, तो वोकल्स अच्छे होना जरूरी है। वोकल्स आपके पॉलिश करने के साथ साथ बेहतर हो सकते हैं। आपको पता है एज ए न्यूज एंकर व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड इज के आपने 8 आवर्स या 6 आवर्स की शिफ्ट करनी होती है, और अगर आप न्यूज बुलेटिन कर रहे हैं तो 1 घंटे तक आपको कोई भी देखेगा और सुनेगा भी साथ। तो अगर आपके वोकल्स अच्छे नहीं होंगे, वोकल्स में वेरिएशंस नहीं होंगे, तो सुनने वाले जो आ जाते हैं उनकी समातों को फिर आपकी आवाज नागवार गुजरती है, तो वो चैनल स्विच कर देते हैं या ज्यादा देर तक के लिए आपको सुन नहीं पाते। तो इसलिए जरूरी है कि आपकी वोकल्स में वेरिएशंस होनी चाहिए, साथ ही साथ आपकी वोकल्स जो हैं वो बहुत बेहतर और इम्प्रूव्ड होनी चाहिए, किसी के कानों को भली लगें, किसी को भी अगर आप बात कर रहे हैं, खबरें पढ़ रहे हैं, तो वो उसके कानों को अच्छी लगें। वोकल्स हमारी 3 तरह की होती हैं बेसिकली हर शख्स की। भारी पतली आवाज़ होना इज समथिंग एल्स, लेकिन हमारी अगर वोकल्स की बात करें तो वो 3 तरह की वोकल्स होती हैं। आपने देखा एक्टर्स की वोकल्स में वेरिएशंस होते हैं क्योंकि वो वोकल्स एक्सरसाइजेस करते हैं वोकल्स के लिए, उनके वोकल कॉर्ड्स खुले हुए होते हैं। एंकर्स की जब हमारी ट्रेनिंग चलती है या हम जब प्रैक्टिस सेशन से गुजर रहे होते हैं तो तब हमारे भी जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो खुल जाते हैं क्योंकि हमारी प्रैक्टिसेस कुछ इस तरह की होती हैं। ऑल्दो हर जगह की हर ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट क्राइटेरियाज होते होंगे, लेकिन अगर एक यूनिवर्सल रूल की बात करूं जो वोकल्स के हवाले से होता है, तो वोकल कॉर्ड्स खुलना बहुत ज़्यादा जरूरी है ताकि आप ज़्यादा देर तक और अच्छा बोल सकें। तो 3 तरह की हमारी वोकल्स होती हैं। एक वोकल होती है जो हम रूटीन में किसी से भी बात करते हुए बोल रहे होते हैं, लाइक अभी मैं जब बात कर रहा हूँ तो मैं अपने मुँह से ही बात कर रहा हूँ, मतलब ऑब्वियसली मुँह से ही सारे बोलते हैं, लाइक मेरी आवाज़ सिर्फ यहाँ से निकल रही है। दूसरी वोकल होती है जो हमारे गले से निकलती है, ठीक है। तीसरी वोकल होती है जो हमारे पेट से निकलती है, पेट के अंदर से आवाज़ आती है। जो लोग एंकरिंग करते हैं या जिन्होंने एंकरिंग को एक्सपीरियंस किया वो अग्री करेंगे कि एंकर्स की हमेशा आवाज पेट से निकलती है, और पेट से जो आपकी आवाज निकलती है वो सुनने वाले पर असर भी करती है, उसकी प्रोजेक्शन भी अच्छी होती है, उसकी जो एनर्जी है वो भी बेहतर होती है नॉर्मली। इसलिए अक्सर औकात ये सुनने में भी मिल रहा होता है हम लोगों को कि जब आप खबरें पढ़ रहे होते हैं तो आपकी वोकल्स बड़ी एनर्जेटिक होती हैं, लेकिन जब आप रूटीन में बोलते हैं तो आपकी वोकल्स उस तरह से नहीं होती। तो रूटीन में हम इतनी एनर्जी लगा क्यों, किस तरह से लगाएं, कि जरूरी तो नहीं है इतनी एनर्जी लगाना, और एनर्जी के साथ बोलना बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। तो सबसे ज़्यादा जरूरी अगर आप एंकरिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वोकल कॉर्ड्स खोलें अपने। एक और चीज़ यहाँ पर अगर मेंशन करूँ, लाउड होने में और एनर्जेटिक होने में देयर इज हेल ऑफ डिफरेंस। लाउड नहीं होना, एनर्जेटिक होना, लेकिन एनर्जेटिक स्टेप तक पहुंचने के लिए कि आप उस स्टेप तक पहुंच जाएं कि जहां पर आपकी वोकल्स में एनर्जी आ जाए, लाउडनेस से होके गुजरना पड़ेगा आपको, उसके बाद आपके वोकल्स में एनर्जी आएगी। आप जब लाउड बोलेंगे, लाउड प्रैक्टिस करेंगे बहुत ज़्यादा, तो उसके बाद आपके वोकल कॉर्ड्स खुलना शुरू हो जाएंगे। आपको पता है जो भी कोई एंकर की प्रैक्टिस कर रहा होता है या अनाउंसर या सिंगर जो भी हैं, शुरू में जब उनके वोकल कॉर्ड्स नहीं खुले होते तो उनके गले में पेन भी होता है, खराश भी पैदा हो जाती है, अक्सर औकात तो लोगों के गले में खांसी के दौरान खून भी आना शुरू हो जाता है, ब्लड भी आता है, इस वजह से, क्योंकि आपके गला यूज्ड टू नहीं होता। आप जब प्रैक्टिस करते हो तो आपके गले में खराशें पड़ जाती हैं। तो सबसे पहले तो लाउड बोल के अपने वोकल कॉर्ड्स खोलें, ठीक है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आप बोलना शुरू करेंगे तो आपको खुद आइडिया होगा अपनी आवाज़ का कि आपकी आवाज़ जो है उसमें, मतलब लाउडनेस के साथ साथ आपको पेट से भी आवाज़ आना फील होगा, कि आपको फील होगा कि आपके अंदर ही आपकी आवाज़ गूंज रही है कहीं। तो वोकल्स को बेहतर करें, वोकल्स बेहतर करने के लिए सबसे पहले तो जरूरी है कि थोड़ा सा, मतलब बहुत ज़्यादा लाउड पढ़ें, कहीं बाहर चले जाएं। आपको पता है जब हम छोटे होते थे तो स्कूल में कोई भी लड़का अगर या बच्चा या बच्ची आपका क्लास फेलो बहुत ज़्यादा हकलाता था, स्टैमर करता था, तो उसको टीचर्स ये कहा करते थे कि आप जो है ना बाहर जाकर कहीं तो लाउड पढ़ा करो, कोई भी न्यूज़पेपर ले लो या अपने जो आपकी स्कूल की बुक है वो लेकर चले जाओ, तो बहुत ज़्यादा जब लाउड पढ़ोगे तो आपका जो वो आप स्टैमर करते हो ना, जो हकलाते हो, वो कम हो जाएगा। इसी तरह से जब आप लाउड पढ़ेंगे तो आपकी आवाज़ खुलेगी, जब आपकी आवाज़ खुलेगी उसके बाद फिर आप जब एनर्जी से बोलेंगे तो आपको लाउड होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी आवाज़ में खुद ही एनर्जी आ जाएगी। तो एज अ एंकर अपने वोकल्स को इम्प्रूव करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक तो लाउड बोल के प्रैक्टिस करें, दूसरा इसके अलावा जो है कुछ और एक्सरसाइजेज भी हैं, वो आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं, गूगल भी कर सकते हैं, जो वैसे जॉज की एक्सरसाइज होती हैं। दूसरा, अपनी आवाज़ को बेहतर तरीके से प्रोजेक्ट करने के लिए अपने मुँह को पूरा खोल के बात करें,
खासतौर पे न्यूज़ करते हैं, आप जब अपना पूरा मुंह खोलेंगे, क्योंकि हमारे जो लफ्ज़ हैं वो क्लैरिटी हमारे जॉज से आती है। अगर आप मुंह नहीं खोलेंगे, सिर्फ होंठों से बात करते रहेंगे, तो इट मींस के आपके अल्फाज तो प्रॉपर तरीके से निकल ही नहीं रहे। जब आपके अल्फाज प्रॉपर तरीके से नहीं निकलेंगे, तो फिर जो है आपके लफ्ज ऐसे लगे जैसे आप खा रहे हैं लफ्ज़ों को। तो एक तो पूरा मुंह खोल के बोलें, इससे आपकी आवाज़ भी बेहतर, मतलब प्रोजेक्शन अच्छी जाएगी, और आपकी जो वर्ड्स हैं उसमें भी क्लैरिटी आएगी। तो ये दो तीन चीज़ें अभी करें फिलहाल, क्योंकि मैं अभी इसको और ड्रैग करना नहीं चाहता, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी एंड आई स्पीक अलॉट। इसके लिए मैं थोड़ा सा माजरत अगर खा हो जाऊँ तो कोई, वैसे आई डोंट थिंक सो कोई इशू है, क्योंकि हम एंकर बहुत ज़्यादा बोलते हैं। तो कोई भी एंकर हमेशा से आप उससे पूछेंगे तो वो अपनी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, स्कूल में कहीं ना कहीं डिबेटर ज़रूर रहा होगा। तो वोकल्स की प्रैक्टिस करें, और इसके साथ साथ जो पहले मैंने दो स्टेप्स बताए उनको भी करें। आगे फिर मैं और भी बनाता हूँ, आई विल ट्राई, कि मुझे किसी ने कहा था कि आपकी वीडियोस बहुत ज़्यादा जो है ना वो बहुत लंबी होती हैं, तो मैं अब आगे कोशिश करूँगा इसको मज़ीद कंसाइज करूँ, मज़ीद ब्रीफ करके करूँ। तो फिलहाल ये बेसिक सी चीज़ें हैं, इन पर आप थोड़ा सा काम करना शुरू करें। फिर इसके बाद जो अगली वीडियो में बनाऊंगा वो मैं बनाऊंगा कि आपने वर्ड्स को किस तरह से क्लियर कर सकते हैं, आप एक्सप्रेशंस किस तरह से न्यूज़ के दौरान दे सकते हैं, वोकल्स में एक्सप्रेशंस किस तरह से आ सकते हैं, ये मैं फेशियल एक्सप्रेशंस के साथ ही उनको भी ऐड कर दूंगा। तो इजाज़त दीजिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, डू लाइक एंड कॉमेंट एज वेल। कॉमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आपके कॉमेंट से मुझे बहुत ज़्यादा पता लगता है कि आप क्या सोच रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों के कॉमेंट्स आते हैं, कुछ अप्रिशिएट भी करते हैं, कुछ ये भी कह देते हैं कि नहीं अच्छा नहीं था ये नहीं था, लेकिन अगर आपने मेरी पिछली वीडियोज़ देखी हैं तो आई स्टिल बिलीव कि सब कुछ सबको पसंद नहीं आ सकता और सब कुछ सबको बुरा भी नहीं लग सकता। तो जो लोग पसंद करते हैं थैंक यू वेरी मच, और जो नहीं पसंद करते वो सजेशंस देंगे किस तरह से क्या और हो सकता है, तो आप लोगों को भी, आपको भी पसंद आए। तो थैंक यू वेरी मच, बाय।